नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने लगभग 54 सीटों के साथ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का किया दावा, कहा भाजपा की सरकार कराएगी घोटालों की जाँच। सेक्टर 10 भिलाई के पार्षद ने थाने में घुसकर की प्रार्थी के साथ मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद भिलाई नगर पुलिस की खामोशी को लेकर उठे सवाल। और नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने यातायात पुलिस ने की नेक पहल, डीएसपी ट्रैफिक ने पेट्रोलिंग टीम को उपलब्ध कराए फास्टेड बॉक्स। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि 3 दिसंबर का इंतजार हर प्रदेशवासी को है, जब प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। रमन सिंह ने दावा किया कि कम से कम 52 में से 54 सीटों के साथ भाजपा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी रही, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से कमजोर किया बल्कि CGPSC में हुई लूट जैसे मामलों ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया। भाजपा की सरकार जल्द से जल्द इन सभी घोटालों पर जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएगी। 3 तारीख के रिजल्ट की प्रतीक्षा पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को है, और 3 तारीख के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी पर्याप्त यहाँ पे समय दिया और जिस प्रकार अभियान चले हैं प्रथम और द्वितीय चरण में, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब मुझे कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है, और वो चाहे प्रथम फेज का हो या द्वितीय फेज का हो, बस्तर का हो या सरगुजा का हो या मैदानी क्षेत्र का हो, सभी जगह से जो खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है, उन सब के निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 52 से 54 सीटों पे बढ़त के साथ सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। 3 तारीख का नतीजा ये कहता है। चेहरा बीजेपी ने तय नहीं किया है, सामूहिक नेतृत्व हमने पहले दिन से कहा है और आज भी यही बात कह रहे हैं, मगर विधायक दल की हमारी बैठक में और चुनाव होने के बाद पहले दिन ही विधायक दल की बैठक होती है, उसमें दल के नेता का चयन हो जाएगा, उसमें कहीं विलंब नहीं होगा। निश्चित रूप से जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, घोटाले के मामले हैं, उन मामलों में, कुछ मामलों में तो ED जाँच कर रहा है, तो प्रोसेस में जाएगा, प्रक्रिया में जाएगा, जो सरकार को करना है वो सरकार करेगी। और जैसे PSC जैसे मामले है जहाँ पे जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक काम किया गया, इसमें तो तत्काल कार्रवाई सरकार बनने के साथ करने के लिए सक्षम होगी और तत्काल इस पर कार्रवाई होगी भी। विधानसभा चुनाव में रुपया लेकर काम करने का आरोप लगाते हुए भिलाई निगम सेक्टर 10 के पार्षद अभय सोनी व उनके पुत्र अमन सोनी ने अपने ही वार्ड में रहने वाले एक व्यक्ति को पहले सेक्टर 9 चौक पर पीटा और उसके बाद भिलाई नगर थाने में गुंडई की। पार्षद ने बेटे और अन्य साथियों के साथ थाने में घुसकर सतपाल सिंह के साथ जमकर पिटाई की। पार्षद ने पुलिस के जवानों पर रौब झाड़ते हुए दुर्व्यवहार किया। सेक्टर 10 के पार्षद अभय सोनी और उनके पुत्र अमन सोनी के खिलाफ भिलाई नगर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर पिता पुत्र सहित उनके समर्थकों की तलाश आरम्भ कर दी है। पुलिस की मौजूदगी में व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए पुलिस के साथ गुंडागर्दी करने वाले पार्षद, उसके पुत्र और समर्थकों की हरकत पर पुलिस प्रशासन की खामोशी शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है।
बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर सादी है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है। तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पटनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग। तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है। तो ओडिशा से क्रोएशिया बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हां, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा।
खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हां, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंज पारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमन श्रीवास्तव द्वारा अपनी कार से जिला शहर युवा कांग्रेस महासचिव व अन्य को कुचलने की बातें सामने आई है। बिलासपुर गोंडापारा निवासी और सिद्धू नामदेव अपने साथी के साथ मोहल्ले के किराना दुकान कुछ सामान खरीदने गया था। इसी दौरान अभिजीत श्रीवास्तव से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई, जिसके बाद अभिजीत श्रीवास्तव ने पूरे मामले की जानकारी अपने भाई अमन श्रीवास्तव को फोन के माध्यम से दी, जिसके बाद अमन श्रीवास्तव अपनी i20 कार लेकर आया। सड़क पर चल रहे सिद्धू नामदेव और मंजीत सोनी के ऊपर कार चढ़ाकर फरार हो गया। DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने सड़क दुर्घटना में होने वाले घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार कराने हाईवे पेट्रोलिंग टीम को फास्ट एड बॉक्स प्रदान किए हैं। अंजोरा बाईपास से कुम्हारी टोल प्लाजा तक 40 किलोमीटर के क्षेत्र में 4 हाईवे पेट्रोलिंग 24 घंटे तैनात रहती है। ट्रैफिक कंट्रोल टावर में यातायात पुलिस के DSP सतीश ठाकुर ने 4 हाईवे पेट्रोलिंग टीम को फास्ट एड बॉक्स वितरण किया। इस वर्ष हाईवे पेट्रोलिंग टीम द्वारा 250 से अधिक लोगों को तत्काल प्राथमिक उपचार एवं गोल्डन आवर में नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर एवं DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा नेशनल हाईवे 53 में सड़क दुर्घटना के दौरान घायल की मदद करने, सड़क जाम क्लियर करने, सड़कों से मवेशी हटाने, गंभीर मरीज को तत्काल दूसरे अस्पताल ले जाने एवं अंजोरा बाईपास से कुम्हारी टोल प्लाजा तक इस 40 किलोमीटर की दूरी पर 4 हाईवे पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है। DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने जवानों द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा करते हुए सभी को बधाई दी है और आगे भी लगन और मेहनत के साथ ईमानदारी से कार्य करने निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायलों के प्राथमिक उपचार के लिए सभी को फास्ट एड बॉक्स का वितरण किया। इसकी जानकारी DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। कुमारी से अंजोरा तक 40 किलोमीटर 4 हाईवे पेट्रोलिंग 10-10 किलोमीटर में संचालित है, जो लगातार 24/7 की पेट्रोलिंग करती है। लगभग पिछले 5 सालों से लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जो भी व्यक्ति सड़क में घायल होते हैं या फिर गंभीर चोट पहुंचती है उनको, उनका प्राथमिक उपचार भी करते हैं। आज सभी हाईवे पेट्रोलिंग को यातायात पुलिस के द्वारा फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराया गया है, जिसमें बैंडेज है, टिंचर आयोडीन है और जो फर्स्ट एड में आवश्यक सामग्री होना चाहिए सभी मेडिसिन है वो भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति घायल होता है सड़क में तो उसका तत्काल उपचार कर सके, उसको नज़दीकी अस्पताल में पहुंचा सके। और लगभग अभी पिछले 5 सालों से लगभग 250 से अधिक लोगों को, जो घायल व्यक्ति हुए हैं उनको प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया भी गया है और सभी को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया गया है किस प्रकार लोगों को प्राथमिक उपचार करना है, उसका भी ट्रेनिंग दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो हाईवे पेट्रोलिंग चल रहा है उससे काफ़ी लोगों को फायदा भी पहुँच रहा है और लोग काफ़ी हद तक मदद भी मिल पाई। लगभग ये जो वाहन है 7 सालों से लगातार संचालित है और लगातार इसका हम लोग मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। यदि गाड़ी ख़राब होती है तो पुलिस लाइन से दूसरा वाहन भी उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हाईवे पेट्रोलिंग के जो इमरजेंसी व्हीकल है हर प्रकार से सुरक्षा उपकरण से इसमें उपलब्ध है, तो सभी गाड़ियां चालू हालत में रहे। यदि कोई ख़राब होता है तो उसको हम लोग तत्काल ठीक कराते हैं, उसके बदले में दूसरी गाड़ियां भी हम लोग को शीघ्र उपलब्ध हो जाती हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष अभी तक हाईवे पेट्रोलिंग टीम के जवानों द्वारा 256 लोगों की मदद की गई है, जिसमें से 45 ऐसे भी घायल व्यक्ति हैं जिनको समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई है। हाईवे पेट्रोलिंग टीम हाईवे में लगातार पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग टीम द्वारा अब तक अनेकों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। We'll be right back.
टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी अब भी त्योहार मना रहे हैं। अपर आयुक्त द्वारा मुख्यालय के विभिन्न विभागों में किए गए औचक निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ है। 150 से अधिक अधिकारी कर्मचारी अपनी सीट से गायब मिले हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किसी तरह के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसका खुलासा अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी द्वारा निगम के विभिन्न विभागों में किए गए औचक निरीक्षण में हुआ है। निरीक्षण के दौरान 150 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी अपने विभागों से नदारद मिले हैं। निष्ठा ऐप में उपस्थिति की जाँच के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। इसे आयुक्त रोहित व्यास के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी मुख्य कार्यालय का निरीक्षण करने सुबह 10 बजे पहुँचे और उपस्थिति की जांच की। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने सभी विभागों में दौरा किया, जहां अधिकारी और कर्मचारी अपनी टेबल से गायब मिले। अपर आयुक्त ने स्थापना अधीक्षक को उपस्थिति पंजी की जाँच कर अनुपस्थित रहने वालों को नोटिस जारी करने निर्देशित किया है। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अधिकारी कर्मचारी सुबह 10 बजे उपस्थित रहे हों। निगम आयुक्त रोहित व्यास द्वारा पूर्व में किए गए निरीक्षण के दौरान भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपने विभागों से नदारद मिले थे। आयुक्त और अपर आयुक्त के निरीक्षण के उपरांत कुछ दिनों तक विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन किया जाता है। बाद में स्थिति फिर जस की तस देखने को मिलती है। अधिकारियों कर्मचारियों के समय पर नहीं आने का खामियाजा नगर निगम कार्यालय विभिन्न कार्यों से पहुंचे लोगों को भुगतना पड़ता है। लेट लतीफ आ रहे अधिकारियों कर्मचारियों को कार्रवाई के नाम पर नोटिस जारी करने की बातें आयुक्त और अपर आयुक्त द्वारा कही जाती हैं। नोटिस जारी कर सवाल भी किया जाता है, लेकिन कार्रवाई किसी तरह की नहीं की जाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। आंवला नवमी के अवसर पर पदुम नगर मानसरोवर कॉलोनी की महिलाएं शासकीय महाविद्यालय के समक्ष आंवला पेड़ के पास पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।